नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो जाएगा। वहीं देश में अब संक्रमितों की संख्या भी घटने लगी है। देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना केस की संख्या अब घटकर 20,000 से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,645 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 1,04,50,284 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 201 मरीजों की वायरस की वजह से जान गई है। देश में अब तक 1,50,999 मरीजों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अब तक इस वायरस से 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 19,299 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,75,950 पहुंच गई है। वहीं 2,23,335 एक्टिव केस हैं। देश में एक्टिव मरीज 2.13% हैं, जबकि कोरोना वायरस से मृत्यु दर यानी डेथ रेट 1.44% है। पॉजिटिविटी रेट यानी टेस्ट के दौरान संक्रमित निकलने की दर 2.21% है। टेस्टिंग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले 24 घंटों में 8 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। एक दिन में 8,43,307 टेस्ट हुए हैं, जबकि अब तक कुल 18,10,96,622 नमूनों का परीक्षण किया गया है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 3,581 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 57 लोगों की जान गई है। राज्य में कुल केस की संख्या बढ़कर 19,65,556 पहुंच गई है। इसमें से 18,61,400 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 50,027 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 899 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 9,26,767 पहुंच गया है, जिसमें से 9,05,158 ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,552 एक्टिव केस हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पिछले एक दिन में 430 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल केस की संख्या 3,12,521 पहुंच गई है, जिसमें से 3,03,060 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।